तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों आखिरकार पांच बड़े निशानों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। झारखंड की 81 सीटों के लिए क्या कहते हैं ताजा आंकड़े, किसकी बनेगी सरकार। अब तक चार चरणों पर वोटिंग समाप्त तो हो चुकी है और आंकड़े क्या कहते हैं 81 सीटों के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कांग्रेस महागठबंधन की सरकार या बीजेपी का नारा 65 पार होगा या नहीं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गठबंधन की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है आंकड़ों के हिसाब से। तो क्या यहाँ पर JVMB एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन रघुवर दास के लिए राह कितनी आसान है ये तो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों कुछ और आंकड़े आपको दिखा दें, राज्य की सरकार के कामकाज के लिए क्या आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं। राज्य के कामकाज से यहाँ पर संतुष्ट जो लोग हैं वो है 34% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो रघुवर दास के कामकाज हैं उनसे वो 34% लोग संतुष्ट हैं। लेकिन असंतुष्ट कितने हैं 33%, मतलब कि काफी कम अंतर है संतुष्ट और असंतुष्ट में। लेकिन अगर ठीक ठाक कहने वाले कितने लोग हैं 29% ये मानते हैं कि रघुवर दास का जो कामकाज है वो ठीक ठाक है। तो क्या यहाँ पर आंकड़े बनते हैं, देखिए अगर माने तो राज्य में कौन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंदीदा यहाँ पर है और वोट शेयर उनके लिए क्या जाते हैं। रघुवर दास के लिए 38% अकेले हैं और हेमंत सोरेन 28% अपने दम पर, लेकिन कांग्रेस और RJD का गठबंधन उनके साथ है, ऐसे में इनका जो औसत है वो बढ़ जाएगा। बाबूलाल मरांडी के लिए 13% लोग मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पर JVM के लिए कितनी सीटें जा सकती हैं क्योंकि अकेले ही चुनावी मैदान में है। लेकिन BJP ने अपना पूरा दम यहाँ पर झारखंड के लिए लगा दिया है और झारखंड की धरती पर बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनमें राजनाथ हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं हो। कई बड़े यहाँ पर विधानसभाओं में उन्होंने कई बार यहाँ पर दौरा किया है और कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है। तो क्या आंकड़े बन सकते हैं झारखंड के लिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर आंकड़े हैं जिसमें RJD 7 सीटों पर चुनावी मैदान में है, JVM की बात की तो 43, कांग्रेस यहाँ पर 31 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन आरसू पार्टी भी अलग चुनावी मैदान में है। झारखंड के लिए अगर बात करें 24 जिले आते हैं और इनमें से कुल 81 सीटें आती हैं, जिनमें से 9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें यहाँ पर आती है। तो क्या यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं झारखंड के लिए इन 81 सीटों के लिए। जहाँ दोस्तों अगर 2014 के भी आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो BJP 37 सीटें और झारखंड का इतिहास है कि अब तक किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है। लेकिन इस बार BJP या तो यहां पर कह सकते कि आंकड़े पार कर जाएगी या कहीं ना कहीं BJP को जबरदस्त यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि BJP इस बार अकेले चुनावी मैदान में है और उनके विपक्ष में यहां पर गठबंधन है और JMM को 19 और कांग्रेस को 6, JVM के खाते में 8, आरसू पार्टी के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 6 सीट गई थी। लेकिन 2014 के लिए भी कुछ एग्जिट पोल सामने आए थे, इसके बाद आपको 2019 के भी एग्जिट पोल दिखाएंगे कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन 2014 के भी आंकड़े जान लेते हैं पहले कि IndiaTVC वोटर के अनुसार 41 सीटें BJP के खाते में जा सकती थी, केवल 37 सीटें गई BJP खाते में, कांग्रेस को 6 सीटें गई लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार 5 दिखाई थी। यहाँ पर JMM को 19 ही दिखाई थी और 19 ही यहाँ पर रिजल्ट के रूप में भी देखने को मिली। JVM को यहाँ पर 8 सीटें दिखाई थी लेकिन 6 सीट गई, अदर के खाते में 10 सीट। यहाँ पर इंडिया टुडे यहाँ पर जो एग्जिट पोल उसके अनुसार 45 सीटें दिखाई गई थी BJP के लिए और कांग्रेस के लिए 9, JMM को 17 और JVM और अन्य दल के लिए 10 सीट यहाँ पर दिखाई गई थी। ABP नेल्सन का जो सर्वे था उनके अनुसार BJP को 52 और कांग्रेस को 9 सीट दिखाई गई थी। यहाँ पर JMM को 10 और JVM को 6, अदर के खाते में 4 सीट दिखाई गई थी। News20 चाणक्य के अनुसार 2014 में 61 सीटें BJP को दिखाई गई थी लेकिन मिली 37 सीटें थी, कांग्रेस को 4 सीटें दिखाई गई मिली 6 सीट, लेकिन JMM को 19 के बदले यहां पर 12 सीटें दिखाई गई थी और यहां पर JVM को 2 सीट यहां पर दिखाई गई थी लेकिन 8 सीट उनके खाते में गई, उधर के खाते में 2 सीट यहां पर दिखाई गई थी। लेकिन 2019 के लिए यहां पर ABP वोटर का सर्वे जारी किया गया है जो कि यहां पर वेबसाइट के थ्रू ये जानकारी यहां पर निकल कर सामने आ रही है और इन आंकड़ों के हिसाब से BJP सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है।
हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है 81 सीटों के लिए और यहां पर 28 से 38 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। जेएमएम के खाते में 18 से 28 सीटें और कांग्रेस को 4 से 10 सीटें और आरसू पार्टी को 3 से 9, जेबीएम को 3 से 9 और दर के खाते में 3 से 9 सीटें जा सकती हैं। यहां पर सी वोटर के अनुसार 2019 के लिए ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये भी फाइनल आंकड़े नहीं है, आंकड़ों में भी बदलाव हो सकता है। ये संभावित आंकड़े हैं 2019 के लिए। कई बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट लोग और कई बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन के आधार पर आपको ये आंकड़े दिखाए हैं और अन्य चैनल के भी एग्जिट पोल आपको दिखा देते हैं जिसमें 33 से 38 सीटें जा सकती हैं बीजेपी के खाते में, वहीं जेएमएम को 22 से 28 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 6, जेबीएम को 4 से 7, आरसू पार्टी को 3 से 5 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें ये जा सकती है। संभावित आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े महागठबंधन को यहां पर बहुमत दिखाया गया है। बहुमत का आंकड़ा 41 है लेकिन 42 सीटें इनके खाते में जा रही हैं गठबंधन के लिए। भाई जेबीएम को 2, आरसू पार्टी के खाते में 4, बीजेपी को 30 सीट जा रही हैं। बीजेपी बहुमत से काफी पीछे यहां पर दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। तो ये कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े यहाँ पर निश्चय के आंकड़े आपको दिखाए हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है। फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। और आपको क्या लगता है 81 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक नई जानकारी के लिए और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।